हाँ बच्चों, आपके स्क्रीन पे देखो ये बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ये 2019 में मेंस का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं इतने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। चेक करें क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है, हबर्स प्रोसेस दिया हुआ है, और हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से हाइड्रोजन किस में लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इनमें से किस में हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट काम कर रहा है। तो देखो, हमें कुछ ऐसे करके डेटा प्रोवाइड कर रखा है, इक्वेशन दे रखी है, और आपने इक्वेशन लिख ली। जो आपके सामने ऑप्शन है वो सभी मासेस के टर्म में दे रखे हैं, है ना, तो आप क्या करो मास के टर्म में इसे पढ़ लो, मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 28 ग्राम आएगा क्योंकि नाइट्रोजन दो है, यहाँ पे सिक्स हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम आ जाएगा, इसके मास पर लिखने की जरूरत है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद, बिल्कुल 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो 1 ग्राम नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। डन, अब ऑप्शन आप एक एक करके चेक कर लें और देखें किस में कम हाइड्रोजन दिया हुआ। तो पहले ऑप्शन में देखें तो मिक्सर में लिखा 56 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, पहले ऑप्शन को चेक कर लें फटाफट। तो आप देख सकते हैं एक को इतना चाहिए, तो 56 को कितना चाहिए, 56 के लिए देखिए कितना चाहिए, ठीक है, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, आराम से चेक कीजिए, इस लाइन को यूज करना है बस, ठीक है, 56 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 56 ग्राम नाइट्रोजन को हमें हाइड्रोजन कितना देना पड़ेगा, 12, लेकिन हमने दिया कितना है 10, तो रिक्वायर्ड 12 है और प्रेजेंट सिर्फ 10, तो इसका मतलब तो पहले ऑप्शन ठीक आ गया, हाइड्रोजन कम पड़ गया भाई, 2 ग्राम हाइड्रोजन की कमी है, 56 को कितना चाहिए 12 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 56 के साथ कितना दिया, मतलब 56 के साथ सिर्फ 10 दिया, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन तो ए ही करेक्ट हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट का डेटा इस तरीके से आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में देखो 35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है और 8 ग्राम ऑफ देखा हाइड्रोजन, तो चेक करें 35 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, चेक करो 6/28 × 35, तो ये आपका कुछ 5 और ये आपका 4, ठीक है, 5 और 4 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना, 7 से काट देंगे, बिल्कुल ठीक है, और ये आपका 30/4, इट मींस ये आपका इतना आ जाएगा, देखो है ना 7.5, तो अब 7.5 रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें देखो दिया कितना था 8, चाहिए 7.5, प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा है भाई, 0.5 एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें जो है ना हाइड्रोजन लिमिट्स में नहीं है, इसमें हाइड्रोजन लिमिट्स में नहीं है। इसके बाद देखिए सी ऑप्शन, इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे, सी ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये दे रखा है 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन, तो आप चेक करें 28 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, देखो देखो 28 ग्राम के लिए कितना चाहिए, चेक करो 1 के लिए इतना है, तो 28 के लिए सर ये तो 6 ही चाहिए, तो इस वाले केस में हमने 6 ही प्रोवाइड किया, मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ये नहीं है, मतलब जितना चाहिए था उतना ही डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो एक्स्ट्रा पड़ेगा ना ही कम पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन देखें 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 4 ग्राम ऑफ, आप लोग ये क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ऑप्शन के बाद आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बट मैं आपको बस दिखा रहा हूं ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से करना सीखें। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए आपका हो जाएगा 6/28 और यहाँ पे 14, तो आपका ये हो जाएगा 3 ग्राम, ठीक है, तो ये आपका 3 ग्राम हो जाएगा। डन, तो 3 ग्राम दिया है और हमने यहाँ पे प्रोवाइड कितना कर रखा है 4 ग्राम, मतलब एक्सेस में है, एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।